पहाड़ी जंक्शन के सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। और आज फिर से मौका मिला है छोटी बहन सोनिया के साथ मिलने का। नमस्कार दगड़ियों, आप सभी तो मैं आरू प्यार भरो नमस्कार। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर दूँ कि आप सब सभी भी वीडियो तई मतलब प्यार दे आप लोगों का कमेंट पढ़ के मैं बहुत अच्छा लग मतलब एक सारे मतलब सपोर्ट मतलब आप सब अच्छा अच्छा कमेंट की मैं बहुत अच्छा लग वे आप सब को दिल से धन्यवाद कर दूँ मैं। और इसीलिए स्पेशली सोनिया ने मुझे बुलाया है कि ताकि आप लोगों का जो है शुक्रिया अदा वो कर सके। और कुछ लोगों के मेल्स आ रखे थे कि उनको गढ़वाली समझ नहीं आती, आवाज़ अच्छी तो लगी लेकिन वो थोड़ा हिंदी में इनके थ्रू कुछ गाने सुनना चाहते। और आपको भी मैसेज आए थे मेरे ख्याल से, इनको भी इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजे थे लोगों ने कि थोड़ा हिंदी में आप गा के सुनाइए, तो चलो वो भी आपको सुनाएंगे। तो मेरी तरफ से भी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बेशक मेरे चैनल पे कम लोग हो लेकिन जितने भी लोग हैं वो दिल से मुझे सपोर्ट करते हैं। और जब मैं पिछली वीडियो बना रहा था मुझे इतना पता तो था कि लोग इसको प्यार देंगे सपोर्ट देंगे, लेकिन इतना अंदाज़ा नहीं था जितना दिल खोल के आप लोगों ने सपोर्ट किया है उस वीडियो को। तो वो मुझे भी बहुत अच्छा लगा और सोनिया को भी बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह आप लोग सहयोग करते रहेंगे तो ज़रूर हम सोनिया को एक सही मुकाम तक पहुंचाने में कामयाब होंगे। और ये सिर्फ अब सोनिया का सपना नहीं रह गया बल्कि हम सबका सपना है कि उनको एक बड़ा मंच मिले और एक कामयाबी जो है इनको मिले। मेरे पे कल एक कॉल आई थी, हमारे गांव के भाई है अमित भाई और उनके पापा हरीश रोथाणे में हमारे गांव के ही हैं, तो उन्होंने सोनिया के लिए जो है रोहित चौहान प्रोडक्शन हाउस में जो है बात कर रखी है। तो उनका भी फ़ोन आया था कि थोड़ा और गाने जो है सोनिया की आवाज़ में मैं उनको भेजूं ताकि वो जज कर पाएँ कि इनको मौका दिया जाना चाहिए। तो इस पर्पज़ से मुझे यहाँ पर आना पड़ा और आने में खैर कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है कि मुझे मौका मिल रहा है कि मैं सोनिया की हेल्प करूं। जो भी बैकग्राउंड है फैमिली का या जो भी कंडीशन हो आपने पिछले ब्लॉग में देख ली होगी। सोनिया कख बटी है मतलब थॉट की गाना गणी मतलब जब मैं दूं पढ़न जाना मतलब जब मैं सेकंड क्लास में छाई तो टाइम पर हमारे यू घर में एक दीदी छाए कुछ भजन आई मतलब आर्ट छाया लाइन की मतलब आर्ट जन बोल दी चार चार करके पंक्ति मतलब अलग 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 स्टेप करके तो मतलब आर्ट छाया पूरा मतलब वो कम से कम रोलो 16-17 मिनट अब। अच्छा हाँ तो मिल वी दीदी गाना भी सुन छा वी दीदी गाना गाने तो मिल वे गाना पूरा मतलब याद का मिली दीदी तो सुना वे बाद। अच्छा तो मतलब जब मिली दीदी तो सुन के देख वे बाद मैं लगा कि मतलब मैं भी गोल गाना मतलब अच्छा। मैं दीदी थी देख इन लगा कि मैं भी गान छू मतलब गाना। अच्छा 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 मिला पर सबसे पहले गाना हूं आप यह गा छा जब मैं 6 पढ़न छा मतलब 6 मई हां अच्छा 6 क्लास में छा तब गा छा मतलब सबसे पहले गाना ठीक। तो इनकी जो प्रेरणा का स्रोत है वो कोई फिल्म स्टार नहीं बल्कि उनके पड़ोस में ही हमारी दीदी है बिट्टू दीदी मेरे ख्याल से ना साधना दीदी, वो इनकी जो है आदर्श रही है जिनको देख के इन्होंने गाना गाना शुरू किया। तो चलो अच्छी बात है और लगातार कोशिश है कि एक मौका मिल जाए किसी बड़े मंच पे ताकि अपने आप को खुद प्रूव कर पाए, तो वो सब हम लोगों की कोशिश जारी है। तो सोनिया हम आगे बात करेंगे, उससे पहले आप हिंदी में कुछ गाने सुना दो जो लोग वेट कर रहे हैं कि आप हिंदी में गा के सुनाए। तो हाँ, एक लता मंगेशकर जी का गाना। अच्छा वे गाना तो सुनूं मैं। पिया बिना बाजीना पिया बिना बसिया बाजीना पिया बिना ऐसी रूठी कि होठों से मेरी संगीत रूठा कभी जब मैं गाऊं लगे मेरी मन का
हर गीत झूठा ऐसे बिछड़े हो ऐसे बिछड़े मोसे रसिया पिया बिना पिया बिना पिया बिना बसिया बाजिना बाजिना बाजिना। वाह बहुत बढ़िया, और मन करता है कि बस सुनते रहें है ना। तो जो हमने पिछली वीडियो डाली थी उसके बाद जो है 3-4 लोगों के ऑफर आए हैं कि वो सोनिया को मौका देंगे देंगे, लेकिन थोड़ा सोनिया को भी जज करना पड़ेगा है ना कि कौन सही में मौका दे रहा है, और थोड़ा ट्रस्ट करना, मतलब जिस जो ट्रस्टेबल होगा उसी के साथ जो है हम आ जा सकते हैं ना। तो कोशिश तो हो रही है, मे बी 3 या 4 जगह से तो कन्फर्म है कि वो मौका देंगे, और बल्कि जल्दी ही देंगे, 1-2 महीने के अंदर ही देंगे। और इससे पहले कभी मिला था मौका किसी यूट्यूब चैनल पे या किसी प्रोडक्शन हाउस वालों से मिलने का? मतलब यखा का चाहिए अरकंडा की पूनम बिस्ट के। हाँ हाँ पूनम सबसे पहले मतलब मिल वो की व्लॉग अच्छा मतलब वो एक प्रोग्राम चाहे स्वीसिम। अच्छा ये कल्चरल प्रोग्राम। हाँ कल्चरल प्रोग्राम चाहे स्वीसिम तो हम वक्त जाए तो मतलब सबसे पहले वो की व्लॉग अच्छा मतलब की यूट्यूब। हाँ यूट्यूब सबसे पहले वे बाद हम तो मिल जाए संजय मिलन बैंड वाला चीज या खेत वाला। ठीक वो मिले चाहे उधर भी आ जाए मेरी बातचीत है टाइम। अच्छा तो उन बाल नीचे मौका देना खाना। हाँ बाल छे जून। अच्छा पर मतलब ये बाद अभी वो बड़ी तो बात उठवा नहीं जा। ठीक ठीक ठीक। अच्छा तो सोनिया चाहती थी कि ऐसे जब नीचे तलाई में एनएसएस का प्रोग्राम चल रहा था तो वैसे ही हम लोग एक वीडियो बना दें, लेकिन मैंने इनको मना किया था, मैंने कहा ऐसे बात नहीं बनेगी, एक प्रॉपर वीडियो बनानी पड़ेगी जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और इसी पे जो है गाने सुनाएंगे, तो लोगों को जल्दी समझ में आएगा और उससे आप लोग जज कर पाएंगे कि कैसी आवाज़ है, क्या फैमिली बैकग्राउंड है, सब कुछ। वो बहुत बड़ा प्रोग्राम था, उसमें इतना सब डिटेल में बात करने का टाइम शायद नहीं मिलता, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं स्पेशली इस पर ब्लॉग बना के और अपलोड करूँगा, और उसको आप लोगों ने लगातार बहुत प्यार और बहुत सहयोग दिया, उसके लिए आप सबका शुक्रिया। तो चलो एक और गाना हो जाए कोई नया वर्जन में। माहीनी मेरी शिमले दिराही चंबा कितनी एक दूर है चंबा कितनी एक दूर शिमले निवसना कसौली निवसना शिमले निवसना कसौली निवसना चंबे जाना जरूर है चंबे जाना जरूर माहीनी मेरी शिमले दिराही चंबा कितनी एक दूर है चंबा कितनी एक दूर मैं तेनु समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी मैं तेनु समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी तू की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तू यो जान मेरी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और ये आवाज़ सुन के लग रहा है कि बिल्कुल मौका मिलना चाहिए, और जैसा आप लोगों का सहयोग है मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी मौका मिलेगा। तो सोनिया आपको किस तरह के गाने गाना पसंद है, मतलब अगर कोई लोग आपको चांस देना चाहे तो किस तरीके के गाने पसंद है, जैसे सैड हो गया या डीजे वाले हो गए या सभी गा लोगे आप? ट्राई तो मैं मतलब सभी की करूँ मतलब मतलब कोई भी गाना गा सकते हो मतलब है ना। मतलब ज्यादातर मैं यही पुराना सॉन्ग सी जो मतलब थोड़ा उन म्यूजिक से क्लासिकल म्यूजिक टाइप का है ना। ठीक है ठीक है। तो चलो अब
इंतज़ार करेंगे उस दिन का जब बड़ा मौका मिलेगा कोई। और अभी जैसा कि मैंने पहले बताया कि रोहित चौहान जी के प्रोडक्शन हाउस में जो है बात चल रही है कि इनको मौका दिया जाए। और रोहित चौहान को मुझे नहीं लगता कि हमारे उत्तराखंड का कोई ऐसा शख्स होगा जो उनको नहीं जानता। और अगर वहाँ पर सोनिया को मौका मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है हम सब के लिए, सोनिया के लिए। और एक ख़ास चीज़ की पिछली वीडियो में सब लोगों ने सोनिया की तारीफ़ की थी कि इस तरीके की हादसों से गुजरने के बाद भी और फिर भी अपने घर में अकेले रहती है, तो वाकई आपके हौसले को सबने सलाम किया है और मैं भी सलाम करता हूँ आपके हौसले का। और इतना सब कुछ होने के बाद भी आप अपने काम में लगे हो, पढ़ाई भी की, पढ़ाया भी, गाने भी गा रहे हो, और कहीं से लगता नहीं है इनको देख के कि ऐसी कंडीशन से गुजर रखे होंगे। चलो ठीक है, तो फिर हम मिलते रहेंगे आगे वीडियोज़ में। और शुभकामनाएँ सोनिया आपको भी, धन्यवाद।